पांच दिनों तक लगातार हम लोगों ने योग प्राणायाम के माध्यम से, सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, अलग अलग रोगों के हिसाब से हम लोगों ने प्राणायाम और आसनों के बारे में हमने समझा, सीखा, और एक संकल्प के साथ कि हम लोग आजीवन, जब तक हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, तब तक हमें योग और प्राणायाम करना ही पड़ेगा। अन्यथा कोई हार्ट अटैक करके, कोई लकवा मार के, कोई ब्रेन हेमरेज करके, या अलग अलग प्रकार की बीमारियों को प्राप्त करके अपने जीवन को त्यागेगा। ये शुभ विषय नहीं है। हम सबको जाना है धरती छोड़ करके, लेकिन कोई बीमार होकर के ना मरे, उसके लिए आज हम लोग आरोग्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हवन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग घी समिधा या जो कुछ भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसके माध्यम से पूरे वातावरण की शुद्धि होगी, और वही वायुमंडल, वही हवा, वही प्राणवायु बन करके हमारे नासिका क्षेत्रों के द्वारा फेफड़े में प्रवेश करता है। तो आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों के द्वारा एक बार ओम का उच्चारण और एक बार प्रेम पूर्वक गायत्री मंत्रों का जाप करते हुए करेंगे। सभी सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, मन शांत, सांस भरिए। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के साथ में हम सभी कुछ मंत्रों का जाप करेंगे और ध्यान पूर्वक सांस का अभ्यास चलता रहेगा। हम लोग इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और हम कुछ हिंदी में भी उसका अर्थ बताने का काम करेंगे। तो आइए सांस भरिए। ओमानी देव सवित दुरीतानी पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी में ध्यामुतै मा कस्मै देवाय हविषा विधेमः। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभद्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक तू त्रचता और टिकाता है, पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। सांस आप लोग भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस देवता पर, प्राण देवता पर ध्यान लगा करके। ओम यय आत्मदा वलदा यस्य विशोपासते प्रसिद्धम यस्य देवः यस्य छाया मृतम यस्य मृतौ कस्मै देवाय हविषापि धेमः। तो हे आत्मज्ञान बलदाता सुव्यस भी स्वजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिष तो महत्व किद्राजा जगतो बभुव यदस्तुपदा कस्मै देवाय हविषा भी धेमः। सांस भरते रहेंगे, सांसों में कमी नहीं। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है, अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम ये रुद्रा पृथ्वी चिद्रढ़ायन स्वयं नाक यु अंतरिक्षे रचितो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमः। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न तुलतान्यो विश्व जाता नि परिता बभुव यत कामास्ते जुमस्वरस्तु वयं स्वयं पतयु रैणामः। तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है, हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, हे तू रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, यज्ञ देवता की जय, हवन देवता की जय, काली मैया की जय। ओम
प्रसन्नो बधुजरदास विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वः यत्र देवा अमृत मानसान तृते धाम निरतः तू गुरु है प्रजे सभी तू है पाप पूर्ण फल दाता है तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्ने नय सुपथा रायस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो इदु मजुरान मेनो भोजनांते नम उक्तिम विधेमः तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका दिल संहार तु ही रसना रिति रटे तुम्हें को मन में बसना सदा तु ही अघे अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रसुद रजा रामचंद्र की ओम हर हर महा।